हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओजूज लाइफ। तो आज हम बनाने वाले हैं रागी मुद्दे, आवरे का करी एंड स्पिनेच पराठा, जो आप अपने बच्चों को टिफिन में भी पैक करके दे सकते हैं। तो इस तरीके के रागी मुद्दे बेंगलोर साइड में बनाए जाते हैं फ्रेंड्स। हर घर में अलग अलग तरीका होता है बनाने का। ये मेरे घर का तरीका है, मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गेहूँ के आटे में पालक का प्यूरी मिक्स करके उसे गून लिया है। पालक की प्यूरी बनाते समय मैंने उसमें गार्लिक और जिंजर डाला था थोड़ा सा। इस तरीके से बनाया, देखिए इस तरीके के छोटे छोटे बॉल्स बना लेना है और इसे स्क्वायर शेप में, ट्रायंगल शेप में, राउंड शेप में, आप कौन से भी शेप में बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्क्वायर शेप में बनाया है और इसे भूनना चालू कर दिया है। इसके ऊपर डाल दिया मैंने थोड़ा सा घी ताकि वो अच्छी तरह से भून सके। अब तक मैं आपको स्पिनैच में कितने न्यूट्रिएंट्स और कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं मैं बताती हूँ। स्पिनैच इज रिच इन मेनी न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, आयरन, फॉलेट एंड पोटेशियम। स्पिनैच इज चॉक फुल ऑफ फाइबर। स्पिनैच इज रिच इन ऑक्सलेट आल्सो, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट्स। वन कप ऑफ स्पिनैच कंटेन 0.7 ग्राम ऑफ प्रोटीन, दैट्स वाई वी हैव टू प्रिफर स्पिनैच फॉर आवर चिल्ड्रेन इन दियर ब्रेकफास्ट, लंच एज वेल एज डिनर। इट हेल्प्स टू मेक देम स्ट्रॉन्ग। आप कौन से भी फॉर्म में उनको स्पिनैच दे सकते हैं फ्रेंड्स, चाहे वो पराठा हो, करी हो, सब्जी हो, राइस हो, आप कौन से भी फॉर्म में उनको स्पिनैच दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे ट्रायंगल, सर्कल एंड स्क्वायर शेप में पराठा बना के रख दिए हैं ताकि बच्चे मजे से खा सकें। तो आप भी इसी तरीके से बनाएंगे। आगे देखते हैं आवरेकाई की रेसिपी, यानी कि आवरेकाई करी, जो हम रागी मुद्दे के साथ खाते हैं। मैंने एक दिन पहले इसे भिगो कर रख दिया था 4 से 5 घंटे के लिए। इस तरीके से स्मूथ होने के बाद ये इसके ऊपर का कवर इजीली निकल जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से निकाल लेना है हमें, बहुत ही इजीली निकल जाता है। मैंने 1/2 कप तुअर दाल लिया है, उसे कुक करने के लिए रख दिया है। अब एक पैन में यानी कि कढ़ाई में डाल दिया है 1 चम्मच जितना घी और उसमें ऐड किया है चना दाल और उड़द दाल। इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भून लेंगे। आगे मैं क्या क्या ऐड करती हूँ आप देखिए फ्रेंड्स। सबसे पहले मैंने कुछ खड़े मसाले ऐड कर दिए उसमें, उसे अच्छी तरह से भून लेंगे। खड़े मसाले में जाती है काली मिर्च, लौंग, दालचीनी एंड एक फूल, चक्री फूल, उसे अच्छी तरह से भून लेंगे। इस तरह से भून लेना है गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। उसके बाद इसमें डालेंगे फ्रेश कोकोनट, ऑनियन एंड टोमेटोज एंड धनिया, ये ड्राई धनिया है। इस तरीके से इसे एक एक करके भून लेना है फ्रेंड्स हमें। तब तक मैं आपको आवरेकई यानी कि फील्ड बीन्स के बारे में कुछ बताती हूँ। आवरेकई यानी कि फील्ड बीन्स आर हाई इन फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, डायट्री फाइबर, विटामिन सी एंड प्रोटीन आल्सो। देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ बीन्स, किडनी बीन्स, पिंटो बीन्स, नेवी बीन्स, लिमा बीन्स, ब्लैक आइज्ड बीन्स, सोया बीन्स, मंग बीन्स, ग्रीन बीन्स, रेड बीन्स, रनर बीन्स, ब्लैक टर्टल बीन्स, मोथ बीन्स, पिजन बीन्स, दिस टाइप ऑफ बीन्स आर देयर एंड वी आर प्रिपेयर नाउ फील्ड बीन्स करी। अब मैंने थोड़ा सा सांभर पाउडर ऐड कर दिया है और उसे मिक्सी में से निकालेंगे। तब तक हम बनाएंगे रागी मुद्दे। मैंने 3 कप ऑफ पानी ऐड कर दिया है इस कटोरी से। उसी मेजरमेंट से मैंने 1/2 कप रागी फ्लोर उसमें ऐड करेंगे। जब पानी बॉयल हो जाएगा तब, पानी गर्म हो चुका है, इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप रागी फ्लोर। मेजरमेंट लेना है 1:1.5, यानी कि 1:1.5। इस तरह से इसे हमें ढक के रखना है 5 मिनट के लिए। जब वेपर आता है ना, भाप आता है ना, तब इसे कुक हो गया है इसे समझना है। रागी फ्लोर अच्छे से कुक हो जाना चाहिए तभी रागी मुद्दे अच्छी तरह से बनते हैं। मैंने इधर लिया एक बड़ा प्लेट और लिया थोड़ा सा पानी। तब तक मैं आपको रागी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ। रागी और फिंगर मिलेट कंटेन्स अबाउट 5-8% प्रोटीन, 1-2% ईदर एक्सट्रैक्टिव, 65-75 कार्बोहाइड्रेट्स, 15-20% डायट्री फाइबर एंड 2.5-3.5% मिनरल्स।
ऑफ ऑल द सीरियल्स एंड मिलेट्स फिंगर मिलेट्स हैज द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम एंड आयरन ऑल्सो. दैट्स वाई रागी इज गुड फॉर आवर हेल्थ देन अदर सीरियल्स एंड मिलेट्स. इस तरीके से हमें थोड़ा सा पानी हाथ को लगा के इसे बॉल बनाने लाए. इस तरीके से बॉल बना लेना है हमें, अच्छी तरह से मसल के बॉल बनाना है. फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगता है रागी मुद्दे और बहुत ही हेल्दी होता है. मैंने आपको अभी रागी के बारे में बता दिया है ना, उसे ध्यान में रख के आप अपने बच्चों को रागी मुद्दे उनके खाने में ऐड कर सकते हैं. अब मैंने एक बड़ा पैन लिया है, उसमें ऑयल ऐड करके राई जीरा और करी लीव्स ऐड करके हमने जो पेस्ट बनाया था ना मसाला भून के, उस पेस्ट को ऐड कर दिया है. अब डाल दिए थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च, अच्छी तरह से भून लेंगे और ऑयल छूटने तक इसे कुक होने देंगे. रागी को स्मॉल सीड्स भी बोला जाता है. स्मॉल सीड्स है लेकिन बिगर हेल्थ बेनिफिट्स देता है रागी. और कर्नाटका के साइड में बहुत ही रागी के आइटम्स बनाए जाते हैं, रागी रोटी, रागी मुद्दे, रागी डोसे, रागी इडली, इस तरीके से बहुत सारे आइटम बनाए जाते हैं. अब हम मसाला भून चुका है हमारा, अब इसमें हम ऐड करेंगे फील्ड बीन्स, हमने जो बॉईल करके रख दिया था. बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ये करी को. अब इसमें ऐड करेंगे हमने जो तुअर दाल पका के रखा था वो. तुअर दाल की वजह से बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी आती है करी को और लगने में तो बहुत ही सुपर टेस्ट लगते हैं. अब हम ऐड करेंगे इसमें इमली और जागरी का पल्प, मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से हिलाएंगे और इसे एक उबाल आने तक कुक कर लेंगे. अब ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार और इसे अच्छी तरह से बॉईल होने के बाद डाल देंगे हरी धनिया. मेरा सबसे फेवरेट इंग्रेडिएंट है हरी धनिया, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है कौन सी भी चीज़ को. इसे अच्छी तरह से और एक उबाल आने देंगे. अब इसे सर्व कर लेंगे. देखिए कितना यम्मी लग रहा है ना, लगने में तो बहुत यम्मी होता है. इसे मैं सर्व कर रही हूँ एक बाउल में. देखिए फ्रेंड्स इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी अच्छी लग रही है और दिखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और हेल्दी भी है फ्रेंड्स. ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें सर्व कर दिया. अब रागी मुद्दे के सेंटर में डाल देंगे थोड़ा सा घी ताकि वो बहुत ही टेस्टी लगे. बैंगलोर साइड में बहुत ही पसंद करते हैं फ्रेंड्स रागी मुद्दे को और इसे बहुत मज़े लेकर खाया जाता है. मैं आपको बताती हूँ, देखिए पराठा कितना यम्मी लग रहा है और बहुत ही सॉफ्ट होता है. पराठे बनाते समय पराठे के आटे में थोड़ा सा घी नहीं तो ऑयल ऐड करते जाइए फ्रेंड्स, ताकि वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाए. देखिए करी कितनी यम्मी लग रही है. अब हम इसे टेस्ट करके देखेंगे फ्रेंड्स. मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से खाना है रागी मुद्दे और ये करी. इसे इस तरीके से छोटा सा बाइट तोड़ लेना है, बहुत ही सॉफ्ट होता है रागी मुद्दे. और इसे करी में डीप करके इसे खाना है फ्रेंड्स. सुपर टेस्टी होता है फ्रेंड्स रागी मुद्दे, आप इसे जरूर ट्राई करिएगा और इसी तरीके से बनाएगा. ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को ना भूलेगा. तो बाय फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.